से क्या हो अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अरमान पर हाथ उठाने की? बहुत तरफदारी कर रही हो तुम इसकी, और मेरी हिम्मत के बारे में तो पूछो ही मत मन्नत। इसने जो किया है ना, उसके बाद मन करता है कि मैं इसकी जान ले लूं। क्यों मार रही हो उसे? क्योंकि ये मेरा साथ दे रहा है, इसीलिए मार रही हो, क्योंकि इसे मेरी परवाह है। अब अगर अरमान को हाथ भी लगाया ना तो बहुत पछताओगी। मन्नत, मुझे बचा लो, मन्नत, प्लीज मुझे बचा लो ना इससे, प्लीज। डोंट वरी अरमान, मैं भी देखती हूँ ये तुम्हें कैसे हाथ लगाती है। तुम्हारी इस बात का जवाब कैसे दिया जाता है मैं अभी बता सकती हूँ तुम्हें। बता नहीं रही हूँ, पर मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना मन्नत। हमारे बिखरते हुए रिश्ते का मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ मैं इन लोगों के सामने। ये लोग जो तुम्हें अपने लग रहे हैं ना, ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरी बात याद रखना, तुम जिन्हें अपना मान रही हो ना, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी बर्बादी पे हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, और तब तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई खड़ा नहीं होगा। मन्नत, मन्नत, ये सब कुछ गलत बोल रही है। ये खुद को बचाने के लिए ना मुझ पे सारा इल्जाम डाल रही है। चुप! मन्नत, ये एक नंबर का दोगला इंसान है, लालची है, मतलब ये फरेबी है। ये अपने मतलब के लिए तुम्हें बरगला रहा है मन्नत। इसके दिल में क्या है जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम जान जाओगी। मन्नत, ये तुमसे प्यार करता है। जानती हूँ मन्नत, ये तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, तुम्हारे साथ शादी करने के सपने भी देख रहा है, और इसे लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में दीवार हूँ, इसीलिए ये हम दोनों को लड़ाना चाहता है मन्नत, ताकि इसका उल्लू सीधा कर सके ये। मन्नत, ये तुमसे शादी करके तुम्हारी सारी बस। कुछ नहीं सुनना मुझे, ये अरमान या बाकी लोग, अगर चीटर निकलते भी है ना इबादत, तो आई डोंट केयर। जब तुम ही मेरी अपनी नहीं निकली तो मैं बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखूं? कौन मेरा अपना है और कौन पराया, मैं अच्छी तरीके से जान चुकी हूं। कंग्रेचुलेशंस अरमान, तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया, पर मैं अपनी बहन से दूर नहीं हुई हूं। तुम पहले भी मन्नत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और अब भी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। मन्नत चाहे मुझे अपनी दुश्मन माने, पर ये मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। बच के रहना। मन्नू, मेरी मन्नू ने मुझसे ऐसे बात की इन गैरों के सामने, जो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे।